हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा दंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आए हैं। आलू कतली बनाने में बहुत ही आसान है और ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसको एज ए स्टार्टर भी यूज में ले सकते हैं और एज ए सब्जी भी यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आलू कतली बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू की कतली यानी कि आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं मीडियम साइज के 4 आलू। सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। इस तरह से हमें आलू को छील लेना है। आलू को हमने छील लिया है, अब हम आलू को कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे आलू को गोल गोल काट लिया है और ये देखिए बहुत ही आसानी से कट जाते हैं और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इजी रेसिपी है और सभी को पसंद आने वाली है। सभी आलू को हमने गोल गोल कट कर लिया है। अब हम आलू को अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। धुले हुए आलू को हम एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। हमने लिए है एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हम सरसों का तेल। लगभग 1 बड़े चमचे के आसपास हमने सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल को हमें अच्छी तरह से पका लेना है, यानी कि जब तक धुआं निकलने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसको पका लेना है। सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, देखिए धुआं निकलने लग गई है। अब हमने यहाँ पे पंचमेल का मसाला लिया है सब्जी छौंकने के लिए। इसमें 5 तरीके की चीजें मिक्स हैं, जीरा, राई, कलौंजी, सौंफ और दाना मेथी। अगर आपके पास में नहीं है तो आप सब्जी के लिए राई और जीरा भी यूज में ले सकते हैं। एक पिंच के आसपास हम डाल देंगे हींग। देखिए मसाले सभी अच्छी तरह से तड़क चुके हैं। अब हम डाल देंगे आलू। आलू को हमने अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर दिया है। अब हम डाल देंगे छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक को और हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू को हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देंगे। अगर आप चाहें तो ढक्कन लगा सकते हैं, वरना आप इसको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया आलू कतली बन के तैयार होंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज हम आलू कतली बनाने जा रहे हैं इसको आप सब्जी के यूज में तो ले ही सकते हैं, साथ में आप इसको एज ए स्टार्टर भी यूज में ले सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारे आलू पक चुके हैं। काफी हद तक हमने आलू को पका लिया है। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच चावल का आटा। इससे हमारी जो आलू कतली है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है अभी आलू हमारा पूरा पका नहीं है तो जो हमने चावल का आटा डाला है ये भी साथ साथ में पक जाएगा। अब हम इसको ढकेंगे नहीं, ऐसे ही पकाएंगे। अभी हमें 2 से 3 मिनट आलू को और पका लेना है ताकि जो हमारा आलू है वो अच्छी तरह से पक जाए, साथ ही चावल का आटा भी अच्छी तरह से पक जाए। देखिए आलू कितने बढ़िया से तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। आइए अब हम मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हरा धनिया पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1 चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए, वरना आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हमने डाल दिया चिली फ्लेक्स। छोटा आधा चम्मच हमने डाल दिया है अमचूर पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए, क्योंकि इससे खटाई आ जाती है सब्जी में। और छोटा आधा चम्मच हम डाल देंगे चाट मसाला। सभी मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है क्योंकि जो हमारे आलू हैं नहीं तो टूट जाएंगे। जो आलू आपस में चिपक गए हैं उनको अलग अलग कर लेंगे ताकि सभी आलू पे अच्छी तरह से मसाला लग जाएगा। आज की रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर हम इसको एज ए सब्जी काम में लेते हैं तो आप पूरी या पराठे के साथ में यूज में ले सकते हैं और इसको सफर में भी बना के ले जा सकते हैं। देखिए हमारी आलू कतली रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आइए गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। देखिए हमारी आलू कतली बिल्कुल रेडी है और हमने सर्व भी कर दी है, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो फ्रेंड्स, आलू कतली रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।